कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चले, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टूटू फ्रूटी केक। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। मैं एगलेस बना रही हूँ। नॉन वेज नॉन वेज सब ये खा सकते हैं। तो चले हम देखते हैं किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है हमें। तो देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज जरूरत पड़ती है। सबसे पहले ये पौना का दही है। सब रूम टेम्परेचर पे, दही रूम टेम्परेचर के ऊपर हमें लेना है। ठंडी बिल्कुल नहीं लेना है फ्रीज की। ये पौना कप दही है। अब पौना कप ही इसके अंदर शक्कर डालेंगे हम, और हाफ कप ये बटर है। आप बटर की जगह तेल भी यूज कर सकते हैं। ये बटर है हाफ कप। देखो पौना कप इसके अंदर दही है, पौना कप शक्कर है, आधा कप बटर है। आप बटर की जगह पे तेल भी यूज करते हैं, यूज कर सकते हैं जिसके अंदर कोई फ्लेवर ना हो। अब इस सब चीजों को अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे, एकदम स्मूथ सा बना लेंगे। आप इलेक्ट्रॉनिक भी बीटर ले सकते हैं, हाथ से भी मिला सकते हैं, पर मैं हाथ से ही मिला रही हूँ। फौरन मिल जाएगा, अच्छे से एकदम स्मूथ बना लेना है हमें। आज आप जरूर एक बार ये टूटी फ्रूटी केक बना के जरूर ट्राई करना। मेरे बोलने पे आप जरूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनता है। देखिए अच्छी तरीके से हमारा, और शक्कर पीसी भी लेना, आखी शक्कर बिल्कुल भी ना लेना आप। ये देखिए हमारा अच्छी तरीके से मिल गया है। अब इसके ऊपर हम, ये 1.5 कप मैदा है, मैदा मैं 1.5 कप ली हूँ। जिस कप से सब नापी हूँ ना, इसी कप से 1.5 कप मैदा है। अब इसको हम अच्छी तरीके से, अब इसके अंदर ना डालेंगे हम 1/4 बेकिंग सोडा, 1 टेबल स्पून डालेंगे हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर। ऐसे अच्छी तरीके से छान लेंगे ताकि सब चीज अच्छे से छन के मिल जाए, एक दूसरे में मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। देखिए जो भी कचरा वगैरह रहता है वो निकल जाता है वगैरह। अब डालेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस, और इन सब चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसमें पानी की जरूरत लगेगी, 2-3 टेबल स्पून हम पानी इसके अंदर मिलाएंगे, क्योंकि हमें दही है हमारा, बैटर अच्छी तरीके से दही में मिक्स हो जाएगा। बटर है, दही है, हमें थोड़े से पानी की जरूरत पड़ेगी, हम इसके अंदर डालेंगे। आप पानी की जगह दूध भी डाल सकते हैं इसके अंदर। दो टेबल स्पून अभी पानी डाली हूँ मैं इसके अंदर, एक साथ नहीं डालना है, जितनी अपने को पानी की जरूरत लगेगी उतना पानी हमें डालना है। ये क्वार्टर कप पानी मैं इसके अंदर डाली हूँ, और अच्छे से इसे हमें मिला लेना है। अब ये टूटी फ्रूटी है, इसके अंदर 1 चम्मच मैदा डाल के इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे कोट कर देना है, ताकि ये इसमें जाने के बाद नीचे बैठ जाती है। इसके लिए इस ये तरीका करने से ना नीचे बैठती नहीं है अच्छे तरीके से, सब तरफ टूटी फ्रूटी मिक्स हो जाएगी हमारी। आप ड्राई फ्रूट भी डालें तो इसी तरीके से डालें, ड्राई फ्रूट केक अगर बना रहे हैं तो। 1 चम्मच मैदा लेके उसके उसके ऊपर अच्छे से कोट कर ले, और फिर इसमें मिला दे, तो ये नीचे जाके बैठता नहीं है। ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब ये केक टिन लेके हमें इसके बटर पेपर ये साइज का लगा के, और चारों तरफ से घी से या ऑयल से ग्रीस करके इसके अंदर हमें ये पूरा बैटर हमारा डाल लेना है केक का। इस तरीके से देख लीजिए बैटर भी रहना चाहिए, अच्छे से साफ करके पूरा बैटर इसके अंदर हमें डाल लेना है। ऐसे साइड को अच्छे से इस तरीके से कर लेना है। आप प्लीज़ मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मेरी वीडियोस को, और एक बार ज़रूर मेरे तरीके से बना के देखना। वीडियो बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है, आप ज़रूर ट्राई करना। ये
देखिए पहले हम ओवन में नहीं बनाएंगे, बनाएंगे पतीले में। ओवन तो सबके पास होता है, पतीला नहीं होता किसी के पास। अरे ओवन किसी के पास होता है नहीं होता है, गैस पे तो कोई भी बना लेगा, इसलिए मैं इसे आपको गैस पे बना के बता रही हूँ। ये 10 मिनट के लिए इसको मैं प्री हीट कर ली हूँ पतीले को। अब हम मीडियम फ्लेम पे इसे 40 से 45 मिनट के लिए बेक करेंगे। और कभी भी यानी केक को ना 20 मिनट के पहले ढक्कन खोल के नहीं देखना कि बेक हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं तो सब उसकी ना एयर निकल जाती है, केक फील हमारा केक है ना फूलता नहीं है। इसलिए आप पहले 20 मिनट होने के बाद ही चेक करें कि हमारा केक रेडी है कि नहीं है। तो चले मैं आपको केक बनने के बाद मिलती हूँ आपसे। चले देखते हैं, 40 मिनट हो गया है, हमारा केक चेक करते हैं रेडी हुआ है कि नहीं। ये देखिए माशाल्लाह इतना अच्छा सा हमारा केक फूला है। ये देखिए एक स्टिक लेके इस तरीके से हमें बीच में डाल के देखना है। देखिए एकदम साफ आ रही है, यानी हमारा केक बन चुका है। तो चले इसे अब निकाल के ठंडा होने के लिए रखते हैं। ठंडा होने के बाद फिर इसे हम कट करेंगे, गरम कट नहीं करना है क्योंकि उसकी पीस अच्छी नहीं बनती है। ठंडा होने के बाद ही हम इसे कट करेंगे। तो इसे छोड़ देते हैं हम 10 मिनट के लिए इसी तरीके से ठंडा होने के लिए। देखिए हमारा केक अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। अब हम इसे कट करते हैं, पहले ये साइड से इस तरीके से हम ढीला कर लेंगे। उसके बाद देखिए कितनी आसानी से माशाल्लाह निकल गया। बटर पेपर हटा देंगे, देखिए कितना सॉफ्ट हमारा केक बना है, कितना सॉफ्ट है। अब इसे हम कट करते हैं, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। चले मैं देखिए इसे कट करके दिखाती हूँ आपको, बहुत ही सॉफ्ट बना है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना, मेरे तरीके से ट्राई करके बनाना, इतना अच्छा जालीदार बना है आप देख सकते हैं। देखिए इतना सॉफ्ट बना है आप देख सकते हैं, इतना सॉफ्ट है केक है, कितना जालीदार है आप देख सकते हैं। इसे बहुत ही टेस्टी बनता है, आप ज़रूर मेरे तरीके से बना के ट्राई करना एक बार। ये देखिए मैं कट कर ली हूँ, आप इसे ज़रूर एक बार बना के ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। आप मेरी रेसिपी को प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें प्लीज़ सपोर्ट करिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।